Good morning and praise the Lord for this brand new day. सुप्रभात और इस नए दिन के लिए परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. This is Pastor Mathai of LifeSpring Assembly Lucknow with our morning meditation. और मैं पास्टर मथाई हूं जो कि LifeSpring Assembly कलीसिया का पासवान आपके सम्मुख इस सुबह के मनन को रखेंगे. Remember we are thinking about Arimathea, Joseph of Arimathea who showed such courage in coming and asking for the body of Christ. और याद रखिए हम बात कर रहे हैं यूसुफ जो कि अरिमथिया नगर से था उसके विषय में जिसने एक महान साहस को दिखाया. And we are considering the four acts of Joseph that shows he made a courageous commitment to Jesus. और हम बात कर रहे हैं यूसुफ के चार साहसी कार्यों के विषय में जिसके द्वारा ये दिखता है कि कैसे उसका साहस समर्पण यीशु के प्रति था. द नंबर वन वॉज द करेज टू मेक एन अनअशेम्ड कमिटमेंट टू क्राइस्ट. और एक पहला था साहस ताकि वो बिना शर्म किए हुए एक समर्पण को यीशु मसीह के लिए दिखाए. He personally took care of Jesus's body. उसने व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह की देह की शरीर की चिंता करी. And the second thing was the courage to risk all for Christ. और दूसरा था वो साहस कि वो यीशु मसीह के लिए सब खतरे में डालने को तैयार था. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Even if does cost your position, prestige, wealth and life. क्या आप तैयार हैं आपका उपाधि, आपका पैसा, आपका सम्मान, आदर और यहां तक आपका जीवन देने के लिए यीशु के खातिर? Joseph of Arimathea risked all this. यूसुफ जो कि अरिमथिया से था उसने ये सारी बातें दांव पर लगा दी. And the third thing. और तीसरी बात. His courage was demonstrative. उसकी साहस देखने लायक था. And he openly came. और वो बड़ी खुली रीति से सामने आया. Took down the body of Christ. और यीशु की देह को नीचे उतारा. And wrapped him with the linen. और उस कपड़े से उसकी देह को. And he personally carried the body. और उसने व्यक्तिगत रूप से उसके शरीर को उठाया. So now, the fourth thing is. जो चौथी बात है. His courage made him to be an unashamed witness for Christ. उसके no matter the cost. और उसके साहस ने उसे प्रभु यीशु मसीह का एक साहसी गवाह ठहराया ये मायने नहीं रखते हुए कि वो क्या दाम चुकाना पड़ेगा. This was the day of the great Passover feast. और ये वो दिन था जो कि फसा के पर्व का दिन था. And Joseph eliminated himself from taking part in the great Passover feast. और यूसुफ ने खुद को उस फसा के पर्व में भाग लेने से अलग किया. I remember where all the members of the Sanhedrin body, the governing body of the nation of Israel, were to be present, but Joseph of Arimathea stayed away. और देखिए कैसे ये महासभा जो यहूदियों के ऊपर अपने राज्य को शासन को बनाती रखी थी इज़राइल में, उस महासभा को छोड़कर फसा के पर्व में सहभागिता ना करते हुए यूसुफ इस कार्य के लिए आया. And it was never done before. और ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था. Even for the most serious reason. और चाहे वो कितना भी गंभीर कारण क्यों ना हो. Joseph, by handling the body of Jesus, made himself defiled in the eyes of the law. और यूसुफ जबकि उसने प्रभु यीशु मसीह की मृत शरीर को अपने हाथों से नीचे उतारा, ये करने के द्वारा उसने व्यवस्था की आंखों में खुद को दोषी ठहराया. And he would be considered unclean for 7 days. और उसे 7 दिनों के लिए वो इस कारणवश अशुद्ध गिना जाएगा. And no unclean person was allowed to take part in any of a Jewish ceremonies. और किसी भी अशुद्ध व्यक्ति को यह अनुमति नहीं थी कि वो किसी भी यहूदी रीति रिवाज में या पर्व में अशुद्धता के समय भाग करे. Simply stated. और बड़े साधारण रूप से कहते हैं. Joseph, who had been a secret disciple of Christ. यूसुफ जो कि प्रभु यीशु मसीह का एक चुप और छुपा हुआ चेला था. Now stepped forward. अब बाहर कर निकल कर आया. Making an unashamed commitment to Christ. और एक बिना लज्जा बिना शर्म के प्रभु यीशु मसीह के प्रति एक समर्पण को दिखाते हैं. In public. और सब लोगों के सामने. So everyone knew. और इसलिए हर एक जन जानता था. That he stepped forward to take care of Jesus's body. कि वो आगे आया है कि वो यीशु मसीह की देह की चिंता करे. They even knew. वो इस बात को भी जानते थे. That he gave his own sepulchre for Jesus's burial. कि उसने अपनी कब्र प्रभु यीशु मसीह के दफनाए जाने के लिए दे दी है. And Joseph was risking his position, esteem, wealth
and even his life. और यूसुफ ऐसा करने के द्वारा अपना पैसा, अपना उपाधि, अपना नाम, अपना आदर, अपना सम्मान और यहाँ तक कि अपना जीवन भी खतरे में डाल रहा था। For what? किस लिए? For making such a public stand for Jesus. ताकि वो सार्वजनिक रूप से प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने हियाव और साहस को दिखा सके। How about you, my friend? आपके विषय में क्या कहें मेरे मित्रों? Joseph of Arimathea waited for the kingdom and when at a time when the disciples themselves had all forsaken the Lord. और यूसुफ जो कि अरमथिया से था परमेश्वर के राज्य का इंतजार कर रहा था और एक ऐसे समय में जब चेलों ने भी यीशु को त्याग दिया वो आया और वहां खड़ा था। He went in boldly to Pilate and craved the body of Jesus. और बड़े हियाव के संग वो पिलातुस के सम्मुख गया और बड़े साहस के संग उसकी देह को मांगा। And buried it honorably in his own tomb. और बड़े आदर और सम्मान के साथ अपनी कब्र में यीशु को दफनाया। Others had honored and confessed Jesus, और दूसरे our Lord. यीशु का आदर किया और अपने मुंह से उसे प्रभु कहकर बुलाया। When he saw Jesus working miracles, जब उन्होंने यीशु को चमत्कार करते हुए देखा, you see, my friends, आप देखिए मेरे मित्रों, as long as Jesus would perform miracles and feed the hungry and cleanse the lepers, raise the dead. Miracles, 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 there will be huge crowd. और जब तक यीशु मसीह चमत्कारों और चिन्हों को दिखाएगा तब बड़ी बड़ी भीड़ वहां मौजूद होगी। And others had shown love to Jesus while he was living and speaking. और दूसरों ने प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम को दिखाया जब वो जीवित था और उनसे बात कर रहा था। But लेकिन Joseph of Arimathea, यूसुफ जो कि अरमथिया से था, showed love when he was silent and dead. उसने प्रेम को तब दिखाया जब यीशु शांत था और मर चुका था। How about you? आपके विषय में क्या कहें? Yes, Jesus, a great man. It is good to follow him. So crowds will follow. और इसलिए सब कहते हैं हाँ यीशु तो एक अच्छा एक महान व्यक्ति था इसलिए भीड़ उसके पीछे चलेगी। But how many of them were there at the foot of the cross? लेकिन उनमें से कितने उस क्रूस के नीचे खड़े थे? Hardly anybody. उनमें से बहुत ही कम। And he was left alone. And a secret disciple. और एक छुपा हुआ चेला। Who suddenly woke up at the sight of the cross? जो कि अचानक से उस क्रूस को देखता हुआ खड़ा हुआ। Came forward. वो सामने आया। And handled the body of Christ. प्रभु यीशु मसीह की देह को संभालने के लिए। And buried his body in his own tomb. और उसकी देह को अपनी कब्र में दफनाने के लिए। And my friends. मेरे मित्रों। How about you? आपके विषय में क्या कहें? Jesus is good. यीशु तो भला है। As long as he keeps doing good thing for you. जब तक वो आपके लिए अच्छी बातों को करता है। But tomorrow. लेकिन कल के दिन। No miracle. कोई चमत्कार नहीं। And nothing. और कुछ भी नहीं। Will you still love him? Still follow him? क्या फिर भी उससे प्रेम करेंगे? उसके पीछे चलेंगे? Still will you confess him? क्या फिर भी आप उसका अंगीकार करेंगे? And honor him. और उसका आदर करेंगे? And still will you worship him? क्या फिर भी उसकी आराधना करेंगे? Think about it. इस विषय में सोचिए। The majority of Christians today, where do they go? और जो ज्यादातर मसीह हैं, वो कहाँ जाते हैं? Wherever there is miracles and healings. जहाँ पर चिन्ह और चमत्कार दिख रहे हैं, वहाँ जाते हैं। Healings, healings. और चंगाइयाँ, चंगाइयाँ। Yeah, we run. हम उसी ओर भागते हैं। But how many true Christians attend to a Bible study? लेकिन कितने सच्चे मसीह हमारे बाइबल अध्ययन को में भाग लेते हैं? Where we not only hear the soft saying of Jesus, but also very hard saying of Jesus. जहाँ पर हम ना केवल यीशु की कोमल बातें कही गई बातों को सुनते हैं, लेकिन कठोर शिक्षाओं को भी सीखते हैं। Make your decision, friends. अपने निर्णय को लीजिए मेरे मित्रों। If you say you love the Lord. अगर आप कहते हैं आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। You love him when he does good things. तब आप उससे प्रेम करते हैं जब वो अच्छी बातों को करता है। Will you be true to him when his body, the church, is suffering? क्या आप उसके संग सच्चे बने रहेंगे जब उसकी देह, उसकी कलीसिया दुख उठा रही? Today that is his body. और आज के दिन वही यीशु की देह है। The church. कलीसिया. Will you identify yourself
with the church that is suffering persecution today. क्या आप खुद को यीशु की कलीसिया उसकी देह के संग पहचानेंगे जो उसके लिए सताव को सहती है? Will you stand up for Jesus? क्या आप यीशु के लिए खड़े होंगे? Will you love him, worship him in the midst of the greatest trials in your life? क्या आप बड़े-बड़ी परीक्षाओं अपने जीवन के बीच में उससे प्रेम रखेंगे? God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. As you decide what you would do. जैसे आप निर्णय लेते हैं इन बातों का कि आप क्या करेंगे. Remember. याद रखिए. Jesus. यीशु. Is alive. जीवित है. He is worthy. वो योग्य है. Holy Spirit of God. परमेश्वर का पवित्र आत्मा. I pray for everyone who has listened to this meditation. मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसने इस मनन को सुना है. Let their hearts be stirred up within them by the example of Joseph of Arimathea. उन्हें उनके हृदय उनके बीच हिला दिए जाए जो उदाहरण उन्होंने यूसुफ जो अरिमथिया से था उसके विषय में सुना. Who made himself unclean in the sight of the leaders of the Jewish religion. जिसने खुद को दूसरों की नजरों में यहूदी की महासभा के बीच में अशुद्ध ठहराया यीशु की चिंता करने के लिए. By handling his body, dead body. उसकी देह उसकी मरी हुई मृत शरीर को संभालने. And he was not ashamed. और वो बिल्कुल शर्म नहीं किया. And the blessed Lord. हे धन्य परमेश्वर. May we prove ourselves to be faithful to you even when things do not go well. उन्हें हम भी खुद को साबित करें विश्वास योग्य जब बातें हमारे अनुसार ना हो. Thank you. धन्यवाद. Bless your people. अपने लोगों को आशीष दीजिए. To remain true to the Lord. ताकि वो आपके प्रति सच्चे बने रहें. And be with the church in its trial. कलीसिया के संग में उसके सताव में बने रहें. Even the persecuted church. जबकि वो सताव भी किया जाए तब भी. Take a stand with them. और उसके लिए खड़े रहने पाए. थैंक यू. धन्यवाद. इन जीसस नेम. यीशु के नाम में. गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स. मेरे मित्रों परमेश्वर आप सबको आशीष. रिमेन ट्रू टू गॉड. परमेश्वर के प्रति सत्य बने. आमीन. आमीन.